बच्चों के हक पर डाका। पिछोर के वीरपुर प्राइमरी स्कूल में नहीं बांटा जा रहा मेनू अनुसार मध्याह्न भोजन। बच्चों के पलकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की शिकायत। शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वीरपुर प्राइमरी स्कूल में मध्याह्न भोजन का वितरण करने वाला समूह स्कूली बच्चों के हक पर डाका डाल रहा है। आरोप है कि समूह संचालक सुनील पुरोहित द्वारा बच्चों को ना तो मेनू अनुसार भोजन दिया जाता है और ना ही समूह द्वारा मध्याह्न भोजन का नियमित रूप से वितरण किया जाता है। अधिकतर दाल चावल छात्र छात्राओं को खिलवाए जाते हैं। घर से मनमाने तरीके से कुछ भी बनाकर कभी भी पहुंचा दिया जाता है। बच्चों का खाना विद्यालय की किचन में नहीं बनाया जाता है, लेकिन घर से ही बेकार सा खाना बनाकर भिजवा दिया जाता है। जब भी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा कहा जाता है कि खाना बच्चों के लिए नियमानुसार बनाया जाए, तब समूह संचालक गाली गलौज करते हैं, अभद्रता का व्यवहार करते हैं। इसी घटना को लेकर बच्चों के पालकों ने एवं ग्रामवासियों ने आज इसकी लिखित शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दर्ज कराई, जिस पर अधिकारियों ने जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया। शिवपुरी से ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। सर, आज ग्राम पंचायत वीरपुर शासकीय प्रारंभिक विद्यालय आए हो समूह की जांच करने के लिए, तो क्या नियमता पाएंगे? वरिष्ठ कार्यालय से मिले आदेश अनुसार आदरणीय जेएस के प्रभारी महंत पांडे जी, सीएसी पुष्पेन चौहान के साथ 3 सदस्यीय टीम के द्वारा इस एमडीएम अनियमितता की जाँच के लिए हम लोगों को यहाँ भेजा गया था। चूँकि यहाँ आने पर यह पाया गया कि मध्याह्न भोजन नियमित रूप से मेनू अनुसार नहीं दिया जा रहा है, इसकी पुष्टि ग्रामवासियों एवं छात्र छात्राओं ने भी की है और संबंधित शाला प्रभारी एवं शिक्षकों के द्वारा भी लिखित में बताया गया है कि भोजन में अनियमितता रहती है। संबंधित समूह संचालक को यहाँ बुलवाया भी गया तो उन्होंने शिवपुरी होने की बात कही, और इससे पूर्व भी हम लोगों ने 19 जनवरी में जाँच की थी तो उस दिन भी उन्होंने आने से असमर्थता दर्शाई थी। अब जो भी होगा इस जानकारी के बाद मामला वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन बना के प्रस्तुत किया जाएगा और जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को दी जाएगी। शासकीय प्राथमिक विद्यालय पर क्या क्या परेशानी है? मैं मंजू यादव, शासकीय प्राथमिक विद्यालय वीरपुर में पदस्थ हूँ और यहाँ मुझे 10 साल हो गई हैं जॉब करते करते। आज तक मैंने बच्चों के हक में एक ही बात कही है कि बच्चों का खाना अच्छा आना चाहिए, पढ़ाई अच्छी हो, टाइम पर स्कूल खुले और बंद हो, इसमें मैंने कहीं कोई लापरवाही नहीं की। लेकिन स्वसहायता समूह है जो श्री पुरोहित जी हैं भैया, उनके खाना में अधिकतर मैंने कमियां पाई, जैसे कि मेनू अनुसार खाना नहीं आ रहा। बार बार मैंने बोलने के बावजूद भैया ने कोई भी एक्शन लिया नहीं है, ना खाना कोई अच्छे ने बना के दिया। फिर भी हम लोगों ने ज़्यादा वैसे कुछ नहीं बोला, लेकिन भैया ने स्कूल में आके कई बार गाली गलौज करी, बच्चों के सामने अभद्रता से हम लोगों से बातें करी, जिसके चलते हुए फिर हमें एक एक्शन लेना पड़ा कि सब ग्रामवासियों से हम लोग अपनी बातें रखें कि मतलब थोड़ा अपना सपोर्ट दें कि आज हम लोग क्या काम गलत कर रहे हैं स्कूल में।